ये मुस्कुराता चेहरा गवाह है उस कामयाबी का जो इस बेटी ने हासिल की है। आंखों में खुशी की चमक यह बताती है कि अगर जिद हो और ठान लो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं, फिर चाहे आपकी मंजिल किसी पहाड़ की ऊंची चोटी ही क्यों ना हो। बिहार की बेटी मिताली प्रसाद ने कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है। हाल ही में उन्होंने दक्षिण अमेरिका के एंडिस पर्वतमाला के सबसे ऊंचे पहाड़ ओकांकागुआ की चढ़ाई बिल्कुल अकेले अपने दम पर पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नालंदा जिले के कतरीसराय प्रखंड के मायापुर गांव की रहने वाली मिताली के परिवार में कुल 8 बेटियां हैं। ऐसा नहीं है कि गांव के साधारण किसान की इस बेटी की ये पहली सफलता हो, इसके पहले भी मिताली कई उपलब्धियां हासिल कर चुकी है। बेटी की कामयाबी पर खुश परिजनों को उसकी कामयाबी पर गर्व है, तो वही दूसरी ओर सरकारी उदासीनता और अनदेखी पर नाराजगी भी। कंचनजंगा टाइगर हिल्स और किलिमंजारो जैसी चोटियों पर अपनी कामयाबी का परचम लहरा चुकी मिताली ने खुद अपनी उपलब्धियों और चुनौतियों का सामना करने जैसे सवालों के जवाब में क्या कहा, आप भी सुनिए। माउंटेनियरिंग एक सबसे बड़ा चैलेंज ही है, तो परेशानियों का तो मतलब जैसे लगा ताता लगा रहता है। वेल, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी जो कि मैंने माउंट अकांकागुआ के दौरान फेस किया। जैसे कि वहाँ पे इतना वो माउंट अकांकागुआ जो है बहुत ज्यादा विंड के कारण और टेम्परेचर जो है बहुत फ्रीजिंग रहता है वहाँ पे। सो मैंने जब समिट के लिए निकली थी, उस टाइम 90 से 100 किलोमीटर पर आर हवा की स्पीड थी एंड टेम्परेचर -27 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे कंडीशन में मतलब बहुत लोग अटेम्प्ट लेने को तैयार नहीं थे, बट स्टिल मैंने डिसीजन लिया क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसका खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ा कि मेरे उंगलियों में जलन होने लगी एंड वो जो जलन थी वो उसका मतलब उसके होने का मतलब यही है कि आपको हो सकता है फ्रॉस्ट वाइट हो रहा है और उसका रिजल्ट ये होगा कि आपके उंगलियां काटना पड़ेंगी। पहले वो ब्लू हो जाएंगी, फिर ब्लैक हो जाएंगी और फिर उसके बाद 3 स्टेज में फाइनली उंगलियां आपकी काटनी पड़ेंगी। मिताली ने मुफलिसी से लड़कर फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। वो उदाहरण है उन महिलाओं के लिए जो अभाव के बीच भी कुछ अलग करने की चाह रखती है। ईटीवी भारत रिपोर्ट। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।